गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा? होप यू आर फाइन। जी ये बताओ बेटा, आप लोग हेल्प करते हो दूसरों की? अगर आप हेल्प करते हो तो ये आपकी सबसे गुड हैबिट है। टुडे इन वैल्यू एजुकेशन पीरियड वी डू ए स्टोरी। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके। दादी माँ'स कॉर्नर। दादी माँ वांट्स टू टेल यू ए स्टोरी अबाउट मीना एंड द फायर फ्लाइज। मीना को ना एक चिड़िया है और फायर फ्लाइज को ना जुगनू है। इनके बारे में एक स्टोरी दादी माँ आपको बता रही हैं। क्या स्टोरी है वो? लुक एट। वंस देयर वाज ए मीना। एक बार एक मीना थी, छोटी चिड़िया थी। सी हैड ए चिक। उसके पास एक छोटा सा बच्चा था, चिक था। द चिक वॉन्टेड टू फ्लाई लाइक हिज मदर। जैसे मम्मी ऊपर ऊपर आकाश में घूमती थी, फ्लाई करती थी, ऐसे ही बच्चा चाहता था कि मैं भी फ्लाई करूँ। वन नाइट, एक रात क्या कहता है वो, ही आस्क्ड हिज मदर टू रीच हिम टू फ्लाई। तो उसकी मम्मी को, अपनी मम्मी क्या बोलता है कि टीच मी, टीच मुझे बताओ, मुझे पढ़ाओ कैसे उड़ते हैं, मुझे सीखना है आपसे, बस मुझे तो आपसे सीखना है कि कैसे उड़ते हैं। वो जिद करता है। मीना टोल्ड हिम दैट ही वाज टू यंग। मीना क्या बोलती है उसको, नहीं नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम नहीं उड़ सकते हो। इट हैड गॉट डार्क। और अब देखो रात भी कितनी गहरी हो गई है, अंधेरा है यहाँ पर, है ना। बट द नोटी चिक डिड नॉट लिसन। नोटी चिक ने क्या किया, नहीं सुन रहा था मम्मी की बात। और क्या किया उसने, जंप्ड ऑफ द नेस्ट। उसने क्या किया, जो अपना हौसला था उसमें से उसने जंप कर दिया। ही फेल ऑन द ग्राउंड विद अ थर्ड एंड हर्ट हिमसेल्फ। खुद को चोट लगी, उसको बहुत जोर से नीचे गिरा ग्राउंड के ऊपर। इट वॉज टू कॉल डार्क एंड द पुअर मीना कुड नॉट बी फाइंड। मीना बेचारे ढूंढ रही उसको, लेकिन क्या था, अंधेरा बहुत था, तो क्या हो गया, वो उसको ढूंढ नहीं पाई। सी क्राइड एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। जोर से चिल्लाई, उसने कहा कि मेरी हेल्प करो। कोई वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन वहाँ पर सम फायरफ्लाइज सींग हर, जो थे थोड़े से फायरफ्लाइज थे, जो उन्होंने उसको देखा और क्या किया, डिस्ट्रेस गैदर्ड टू फॉर्म ए स्मॉल सर्कल ऑफ लाइट। वो सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने इकट्ठे होकर छोटी सी एक लाइट बना ली। ठीक है, लाइट से क्या वहाँ पर रोशनी आ गई। द मीना फाउंड हर चिक। और उससे क्या, वजह जुगनू थे, उन्होंने क्या किया, उसकी हेल्प की ना, मीना की चिक को ढूंढने में। उसने अपने चिक को मिल गया और उसको अपने गले से लगा लिया। सी थैंक्ड द फायर फ्लाइज फॉर बीइंग टू हेल्पफुल। तो उसने क्या कहा उनको कि वेरी वेरी थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की है। दादी माँ क्या बोल रही है आपको, सब बच्चों को, चिल्ड्रन यू शुड ऑलवेज रिमेंबर टू हेल्प अदर। आपको हमेशा याद रखना है कि आपने हमेशा दूसरों की मदद करनी है। और अब शुड ऑल्सो लिसन टू योर पेरेंट्स। और क्या करना, आपने अपने मम्मी पापा की हर बात को आपने सुनना है और उनकी बात माननी भी। ठीक है बेटा, होप यू आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। आगे है बेटा, कलर द हेल्पफुल बॉय एंड द ओल्ड वुमेन इन द पिक्चर। देखो ये बॉय क्या, जो ओल्ड मैन है उसकी हेल्प कर रहा है, तो आपने इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में आपने कलर करना है। ठीक है, पेज नंबर 11 पर भी बेटे एक एक्सरसाइज है, वो भी आपने करनी है।